सो ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू. हेलो एवरी वन, वेलकम टू द एग्जाम कैसल. एंड टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर डेली करंट अफेयर्स फ्रॉम 2 जनवरी 2021. ओके, आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे डेली करंट अफेयर्स 2 जनवरी 2021 के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो. ओके, ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा जो लोग नेशनल लेवल MBA एंट्रेंसेस को टारगेट कर रहे हैं, जिन जिन एग्ज़ाम में GK आता है लाइक IFT, उसके बाद CMAT और TIS. ओके, उसी के साथ साथ जो लोग बैंकिंग एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं लाइक IBPS, SBI, RBI, इनकी जो PO और क्लेरिकल की एग्ज़ाम होती है, सो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. साथ ही साथ ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू राउंड के लिए भी ये करंट अफेयर्स आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन. ओके, सो आवर फर्स्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर इज़ द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया. ओके, एशिया के रिचेस्ट पर्सन कौन बने हैं, सो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और उनका नाम है जोंग शेन शेन. ओके, जोंग शेन शेन ये चाइना से बिलोंग करते हैं और ये बने हैं एशिया के रिचेस्ट पर्सन. और जोंग शेन शेन ये जो चाइना से बिलोंग करते हैं, इन्होंने ओवरटेक किया है चाइना के ही जैक मा को. ओके, जैसे हम जानते हैं, और इंडिया के मुकेश अंबानी जी को. सो जैक मा और मुकेश अंबानी इन्हें ओवरटेक करके जोंग शेन शेन बने हैं एशिया के रिचेस्ट पर्सन. ओके, आई होप आपको ध्यान में रहेगा. नेक्स्ट अप इज न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम. ओके, हैज़ बीन रैंक नंबर 1 इन ICC टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग्स. ओके, न्यूजीलैंड की जो टीम है, क्रिकेट टीम है, तो ICC की जो टेस्ट रैंकिंग है उसमें टॉप पे आ गई है, नंबर 1 पोजीशन पे. कुछ हफ्तों पहले नंबर 1 पर ऑस्ट्रेलिया थी ICC टेस्ट रैंकिंग में, बट इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को डिफीट किया है हाल ही में, थैंक्स टू अजिंक्य रहाणेस ब्रिलियंस. ओके, सो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, और उसी के साथ साथ न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की भी टेस्ट सीरीज चल रही है. सो पाकिस्तान को न्यूजीलैंड ने कन्विंसिंगली हरा दिया है, जैसा आप सब जानते हो, थैंक्स टू ब्रिलियंस ऑफ केन विलियमसन. ओके, केन विलियमसन बहुत अच्छे फॉर्म में है और उन्हें रोक पाना बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के लिए. सो इसी तरह से न्यूजीलैंड रैंकिंग में ऊपर जा चुकी है ऑस्ट्रेलिया से, और अब ICC रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पे आ गई है. ओके, उसी के बाद नेक्स्ट इज विच कंट्री, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विच कंट्री हैज़ चेंज 1 word इन इट्स नेशनल एंथम. ओके, ऐसा कौन सा देश है जिन्होंने अपने नेशनल एंथम में 1 word चेंज किया है. सो उसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया. ओके, ऑस्ट्रेलिया ने अपने नेशनल एंथम में 1 word चेंज किया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, सो ऑस्ट्रेलिया आप ध्यान में रखो. अब बात ऑस्ट्रेलिया की हो रही है, सो स्टैटिक GK के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन टाइप हमारा होता है कंट्री करेंसी कैपिटल का, तो हम बात कर लेते हैं उसकी भी. सो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा. ओके, बहुत से लोग सिडनी और मेलबर्न से कन्फ्यूज़ करते हैं, बट ऑस्ट्रेलिया की एक्चुअल कैपिटल है कैनबरा. ओके, और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर. ओके, वैसे मैंने यहाँ पर नोट किया है, सो आई होप आपके ध्यान में रहेगा, जो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा और करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर. ओके, आगे बढ़ते हैं. बुक्स एंड ऑथर के कैटेगरी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ओके, सो इम्पॉर्टेंट बुक लॉन्च हुई है. ओके, और उस बुक का नाम है वाहना मास्टर क्लास. वाहना मास्टर क्लास ये किड्स के लिए एक बुक बनी है और इसे लॉन्च किया है अल्फ्रेडो कोवेली ने. ओके, अल्फ्रेडो कोवेली ये इटालियन राइटर है. ओके, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये बुक, आपको ध्यान में रखना है. अल्फ्रेडो कोवेली इन्होंने लॉन्च किया है इस बुक को जो किड्स के लिए बनी है, और उसका नाम है वाहना मास्टर क्लास. ओके, आई होप इजी है, ध्यान में रहेगा आपके. नेक्स्ट देखते हैं, RBI इंट्रोड्यूसेस डिजिटल पेमेंट इंडेक्स. ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो है इसे रिलीज़ किया है. इम्पॉर्टेंट है बैंकिंग एंड फाइनेंस के हिसाब से, तो आप इसे ध्यान में रखो. वैसे ही बैंकिंग एंड फाइनेंस के हिसाब से एक एब्रीविएशन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, सो वो मैंने यहाँ पर नोट किया है NAV. ओके, नाउ सो इसका जो फुल फॉर्म है वो देख लो एक बार, नेट एसेट वैल्यू. ओके, नेट एसेट वैल्यू इज़ यूर नाउ NAV. सो इम्पॉर्टेंट है, सो ये 2 points आप ध्यान में रखो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़ के हिसाब से. आगे देख लेते हैं, बजाज ऑटो हैज़ बिकम द फर्स्ट 2-wheeler कंपनी अक्रॉस द ग्लोब टू क्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ₹1,00,000 crore. ओके, तो बजाज ऑटो ये जो हमारी 2-wheeler की फेमस कंपनी है, सो ये वर्ल्ड में पहली कंपनी बन गई है अक्रॉस द ग्लोब
टू क्रॉस द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ₹1,00,000 करोड़। ओके, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कभी कभी ऑप्शन में अगर बिलियंस में ऑप्शन दिए हुए हैं 1,00,000 करोड़ की जगह पे, तो वो भी आपको पता रहना चाहिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर नोट करके दिया है, इट इज़ इक्वल टू नियरली 13.6 बिलियन। ओके, 13.6 बिलियन इज अप्रॉक्सीमेटली 1,00,000 करोड़। और वो कौन सी कंपनी बनी है? सो वो है बजाज ऑटो। ओके, ध्यान में रहेगा, बजाज ऑटो काफ़ी इंडिया के लिए प्राइड की बात है। ओके, सो आगे देखते हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान एक्सचेंज द लिस्ट ऑफ देयर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस। ओके, इंडिया एंड पाकिस्तान ने हाल ही में जो उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस होते हैं उसकी लिस्ट एक्सचेंज की है एक दूसरे के साथ। और ये एनुअल हैपनिंग है, हर साल होती ही है। ओके, दोनों कंट्री के बीच में बायोलेटरल एक्सरसाइज, इसे आप समझ सकते हो। सो इंडिया एंड पाकिस्तान एक्सचेंज द लिस्ट ऑफ देयर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस। ओके, इंपॉर्टेंट है। और लास्ट पॉइंट है हमारा आज का, लेविस हैमिल्टन, इन्हें मिला है नाइटहुड ऑनर। ओके, और क्वीन एलिजाबेथ के तरफ से नाइटहुड ऑनर, ये जो ग्रेट ब्रिटेन का सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है, और ये मिला है लेविस हैमिल्टन को। ओके, और लेविस हैमिल्टन हाल ही में 7 टाइम फार्मूला 1 चैम्पियन बने हैं। ओके, लेविस हैमिल्टन ब्रिटेन से ही बिलोंग करते हैं, और क्वीन एलिजाबेथ ने उन्हें अवार्ड किया है इस ऑनर के साथ, नाइटहुड के साथ। सो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट स्पोर्ट्स जीके के हिसाब से, तो आपके ध्यान में रहेगा। और लेविस हैमिल्टन की बात हो रही है, 7 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन हाल ही में क्राउन हुए हैं। ओके, और फार्मूला 1 के जो विनर्स की लिस्ट होती है, जितनी ग्रैंड प्रिक्स होती है पूरे ईयर में, सो उनके विनर कौन है आपको पता रहना चाहिए। और फार्मूला 1 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जीके पॉइंट्स भी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। सो फार्मूला 1 पर ऑलरेडी मैंने पूरा अपडेटेड वीडियो रेडी रखा है हमारे चैनल एग्ज़ाम कैसल पे, लिंक उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो आप एक बार उस वीडियो को भी देख लेना, हार्डली 20 मिनट का वीडियो है, बट मेरा चैलेंज है अगर आप उस वीडियो को पूरा देख लेते हो, सो जितनी भी ग्रैंड प्रिक्स हुई है, सो आप सारे के सारे विनर एग्जैक्टली बता पाओगे विदाउट एनी स्ट्रगल। ओके, बहुत ईजी और अच्छी टिप्स मैंने उसमें बताई है, सो उस वीडियो को याद से देख लेना। सो ये बात हुई फार्मूला 1 के जीके की वीडियो की। ओके, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हमारे जो आज के करंट अफेयर्स है 2 जनवरी 2021 के। द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया, वो बने हैं जोंग शेनशेन। ओके, चाइना से बिलोंग करते हैं। न्यूजीलैंड आईसीसी टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग में नंबर 1 पर आ गई है। ओके, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया ने अपने नेशनल एंथम में एक वर्ड चेंज किया है। ओके, ध्यान में रहेगा, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा और वहाँ की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। उसके बाद में जो बुक है इम्पॉर्टेंट, वाहना मास्टर क्लास, ये लॉन्च की है अल्फ्रेडो कोएली ने, जो एक इटालियन राइटर है। ओके, उसके बाद आरबीआई इंट्रोड्यूसेस डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। ओके, इम्पॉर्टेंट है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के हिसाब से। और एक इम्पॉर्टेंट एब्रीविएशन है NAV, जिसका फुल फॉर्म है नेट एसेट वैल्यू। ओके, आई होप ध्यान में रहेगा। बजाज ऑटो ने मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होता है तो वो क्रॉस कर लिया है ओवर ₹1,00,000 करोड़। ओके, जो बिलियंस में उसकी वैल्यू है $13.6 बिलियन। ओके, उसके बाद में हमने देखा है इंडिया एंड पाकिस्तान एक्सचेंज द लिस्ट ऑफ देयर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, एनुअल हैपनिंग है, हर साल होता ही है, बायोलेटरल एक्सरसाइज आप इसे समझ सकते हो दोनों कंट्री के बीच में, इंडिया एंड पाकिस्तान। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लेविस हैमिल्टन को नाइटहुड दिया गया है, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बाय क्वीन एलिजाबेथ। ओके, सो ये थे गाइस हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एग्जाम कैसल को, और बेल आइकॉन को हिट कर दो सो दैट आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू टुमारो, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।